हेयर फॉल, बालों का टूटना, मेल हो या फीमेल, टीनेज हो या ओल्ड एज, ये समस्या कभी ना कभी सबको आती ही है और सब इससे परेशान रहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है, इसे कैसे कंट्रोल करें, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कारण है हेयर फॉल होने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं निखिल, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ अवेयरनेस में। आइए शुरू करते हैं। हेयर फॉल के कारण क्या है? हेयर फॉल के मेन कारण है फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनली स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस मेडिसिन की वजह से, और कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो उसके कारण भी होते हैं। न्यूट्रिशन की कमी से हेयर फॉल होते हैं। न्यूट्रिशन में जैसे विटामिन B12, D3, आयरन, जिंक और बायोटिन, ये सारे न्यूट्रिशन बॉडी में कम हो तो इससे हेयर फॉल होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी हेयर फॉल होते हैं, जैसे अबॉर्शन, मेनोपोज, थायराइड डिसऑर्डर और चाइल्ड बर्थ, ये सब होने से बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और इनके रीजन से हेयर फॉल होते हैं। मेडिसिंस में कुछ एंटी कैंसर मेडिसिंस होती है, उनसे भी हेयर फॉल होते हैं। स्ट्रेस, इमोशनल और फिजिकल, इन दोनों से भी हेयर फॉल होते हैं, अपने बॉडी पे ही इफेक्ट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हेयर फॉल सीवियर हो रहे हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत है या ये नॉर्मल है? आइए जानते हैं। अगर आपको दिन में 50 से 100 बार डेली टूटते हैं, 50 से 100 हेयर आपके डेली फॉल होते हैं या टूटते हैं, तो ये नॉर्मल है और कई बार ये चीज़ हमें नोटिस भी नहीं होती। और अगर आपके दिन में 100 से ज़्यादा बार टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है, इसमें सोचने वाली बात है। अब आपके अगर सीवियर कंडीशन है तो इसमें आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी आप शैम्पू या कॉम कर रहे होंगे तो आपके बहुत सारे बाल झड़ेंगे या टूटेंगे या हेयर फॉल होगा, तो ये सीवियर कंडीशन होती है और ये चीज़ आपको नोटिस भी होती है। जब सीवियर हेयर फॉल हो और हम इसको इग्नोर कर दें, इस पर ध्यान ना दें, तो आगे जाने पे गंजापन या स्कैल्प विजिबल होने लगती है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से बाल टूटते हैं वहाँ पे नई ग्रोथ भी होती है। तो आइए हम जानते हैं हेयर फॉल का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे कंट्रोल करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशन से आप बालों को रीगेन और कंट्रोल कर सकते हैं, आप हेयर फॉल को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम बालों को 2 बार शैम्पू करें और बालों को अच्छे से क्लीन करें, लेकिन याद रहे वीक में आपको 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। सेकंड है हेल्दी डाइट, आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, उससे भी आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपको हेल्दी डाइट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानना है, हेल्दी डाइट पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज से भी बालों का झड़ना कम हो जाता है। आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप प्लीज़ केमिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करें, जैसे क्रिएटिनिन, हेयर स्मूथनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, तो इन सबको अवॉइड करें। इन सबसे हेयर फॉल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहे हैं तो इन सबको प्लीज़ अवॉइड करें। इसके अलावा टाइट हेयर स्टाइल को अवॉइड करें, हीटिंग टूल्स जैसे कर्लर, स्ट्रेटनर और ब्लोअर ड्रायर, आप एक अच्छा हेयर सीरम यूज़ कीजिए, अब उससे बालों में चंपी करवाइए। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बालों और बालों का गिरना कम हो जाता है और बाल काले और घने होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा बालों के झड़ने से। ये सब करके देखिए, इससे आपके बालों के झड़ने में डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर मिलें जाके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।